रायपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन राजधानी वासी अब भी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के हर चौक चौराहों पर मास्क को लेकर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग कोरोना की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 100 रुपए चालान के रूप में लिया जा रहा है। इसी बीच कई दफा निगम कर्मियों और आम जनता के बीच विवाद की स्थिति भी बन रही है। ताजा मामला रायपुर के एक चौराहे का ही है, जब चालान काट रही महिला निगम कर्मियों ने स्कूटी सवार दो लड़कों को रोका। दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। दोनों ने मास्क घर में भूल जाने की बात कही और अपने किसी संबंधी को फोन घुमाया। उनके संबंधी ने फोन पर चालानी कार्यवाही कर रही महिलाओं को अपनी पहुंच बताने लगा, लेकिन निगम कर्मियों ने युवकों को नहीं छोड़ा, जिसके बाद फोन पर दूसरी ओर से अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद महिलाओं ने उन्हें मास्क के लिए जागरूक किया और हिदायत देकर छोड़ दिया। समाज के रसूखदारों, छूट भया नेताओं और लापरवाह लोगों के द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर अपनी पहुंच और पहचान बताकर नियमों से परे हो जाते हैं।